हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट जो सब फाइला है वो किस प्रकार से दूसरे सब फाइला के साथ में और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके साथ में किस प्रकार से एफिनिटीज को शो करता है, एफिनिटीज में किस प्रकार की सिमिलरिटीज को शो करता है, उसको हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं नॉन कॉर्डेट के साथ में सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज। नॉन कॉर्डेट एफिनिटीज, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स कौन से होंगे, जिनको हम इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स क्या करते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स बहुत सारे नॉन कॉर्डेट्स के साथ में सिमिलरिटीज को शो करते हैं। साथ साथ में सिफेलोकॉर्डेट्स क्या करते हैं, इनकी जो हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम इनके हैबिट की बात करें तो इस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, उनको नॉन कॉर्डेट के सिमिलर मान सकते हैं। तो ये स्पेशली जो हाईली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, हाईली इन्वर्टिब्रेट्स मतलब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ पॉरीफेरा से लगा करके हम जब इकाइनोडर्मेट्स तक की बात करते हैं तो जो हाईली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये एफिनिटीज को शो करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कि सबसे पहले ये कौन से फाइलम के साथ में एफिनिटीज को शो करता है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है, ये शो करता है एफिनिटीज विद एनिलिड्स। किसके साथ में एफिनिटीज को शो करेगा, एफिनिटीज विद एनिलिड्स। जो एनिलिडा जो फाइलम होता है, एनिलिडा फाइलम के अंदर ये क्या करता है, एफिनिटीज को शो करता है। क्या क्या एफिनिटीज को शो करता है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमें बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, बॉडी इनकी हमें दोनों के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एनिलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके अंदर हमें बॉडी कैसी देखने को मिल रही है, बाइलेटरली। बाई लेटरली मतलब बाइलेटरली कैसी होती है कि सपोज कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म होता है उसको बीच में से यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बॉडी इनके अंदर कैसी होगी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर अगर बात करें तो इनके अंदर बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड। और ये सेगमेंटेड भी कैसी होती है, ये सेगमेंटेड होती है मेटामेरिकली। सेगमेंटेशन जो होता है इनके अंदर कैसा पाया जाता है, मेटामेरिकली। मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर ट्रू सेगमेंट नहीं पाए जाते, केवल हमको सेगमेंट दिखाई देते हैं ऐसे, ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटामेरिकली। जैसे अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर हमें रियल सेगमेंट जो होते हैं, रियल सेगमेंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो इनके अंदर मेटामेरिकली हमें सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। इसके अलावा हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर मेटामेरिकली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि सोलेनोसाइट्स के साथ में होते हैं। क्या होते हैं, मेटामेरिकली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रिडिया हमें देखने को मिलता है, प्रोटोनेफ्रिडिया किसके साथ में देखने को मिलता है, सोलेनोसाइट के साथ में। सोलेनोसाइट्स की हमने बात की थी, सिमिलरिटीज जब देखी थी तो कंपैरिजन जब हमने देखा था तो सोलेनोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सोलेनोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर तो क्लोज्ड और सिमिलरली डिस्पोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, सिमिलरली हमें क्या देखने को मिलेगा इसके साथ में, डिस्पोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। डिस्पोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम,
डिस्पोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें फिल्टर फीडिंग जो होती है पॉलीकिड्स के अंदर, वो हमें सेम देखने को मिलती है, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म जो होती है, फिल्टर फीडिंग हम मेथड बोल सकते हैं, ये कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हम पहले के लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर एफिनिटीज़ की, तो सेकंड इसके अंदर इनवर्टिब्रेट में ये एफिनिटीज़ को शो करता है मोलस्का के साथ में। सेकेंड हम बात किसकी करते हैं, एफिनिटीज़ विथ मोलस्का। मॉलस का जो फाइलम होता है उसके साथ में ये किस प्रकार की सिमिलरिटीज़ को शो करता है, तो अगर हम इसकी बात करें एफिनिटीज़ को, तो इनको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब किया था एम्फियोक्सिस के रूप में, वो थे लाइमेक्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसको लाइमेक्स लेंसियोलेटस के रूप में कंसिडर किया था, कि इसको बोला था कि ये एक स्लग होता है। ठीक है, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सिमिलरिटीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सिमिलरिटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग। पहला हमें क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग। दूसरा हमें इसके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी, मॉलस्का के साथ में क्या सिमिलरिटीज़ शो करता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। कौन सी होती है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। इनके अंदर जो मैकेनिज्म होती है रेस्पिरेटरी, वो होती है थ्रू वाटर करंट। किसके थ्रू होगी, वाटर करंट को क्रिएट करके फिर रेस्पिरेशन करना, थ्रू वाटर करंट। तो वाटर करंट के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो दोनों के अंदर सिमिलर होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, मॉलस्क के अंदर मॉलस्क की बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, और उनके अंदर जो लोकोमोटरी पोडियम जो होता है वो सिफिलोकॉडेट्स की तरह कुछ हद तक, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, पूरे तो सिमिलर नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक इनके अंदर सिमिलरिटी शो करता है। तो हम बात कर सकते हैं इनके अंदर लोकोमोटरी पोडियम की। ठीक है, ये कंप्लीट सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लिमिट के अंदर ये सिमिलरिटीज़ को शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, तो ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बात सिमिलरिटीज शो करेगा इकाइनोडर्म्स के साथ में, एफिनिटीज विथ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के साथ में किस प्रकार के सिमिलरिटीज को शो करता है, तो इकाइनोडर्म्स के अंदर हम बात करते हैं तो इनके अंदर असिमेट्रिकल बॉडी पाई जाती है। क्या देखने को मिलती है, असिमेट्रिकल बॉडी। किसके अंदर असिमेट्रिकल बॉडी देखने को मिल रही है, इकाइनोडर्म्स के अंदर, ठीक है, ना कि सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। उसके अंदर हमने बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी देखी थी। इसके अंदर सिमिलरिटीज होती हैं, एंटेरोसिलोइक सिलोम जो होती है वो सिमिलर देखने को मिलती है। क्या मिलेगी सिमिलर इसके अंदर, एंटेरोसिलोइक सिलोम। एंटेरोसिलोइक सिलोम जो होगी वो हमें क्या देखने को मिलेगी, सिमिलरी फॉर्म्ड होती है। क्या होती है, सिमिलरी फॉर्म्ड होती है। और ये किससे फॉर्म्ड होती है, ये होती है मीजोडर्म से। एंटेरोसिलोइक सिलोम जो होती है वो किससे बनेगी, मीजोडर्म से, दोनों ही के अंदर, काइनोडर्माइट्स के अंदर भी और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर भी। इसके अलावा इनके अंदर गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एम्फियोक्सिस की तरह सिमिलर शो करते हैं। गिल स्लिट्स के अंदर भी इनके अंदर क्या पाई जाती है, कुछ सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये हमें इकाइनोडर्म्स के साथ में सिफेलोकॉर्डेट्स की सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों फाइलम हमने देख लिए किसके, इनवर्टिब्रेट के। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वर्टिब्रेट या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्डेटा के साथ में इसकी जो सिमिलरिटीज होती हैं, कॉर्डेटा के साथ में ये किस प्रकार से सिमिलरिटीज को शो करता है, तो उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा
affinities with chordates. इसके अंदर कॉर्डेट्स के अंदर कौन सी सिमिलरिटीज, जो थ्री बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो तो हम सबके अंदर देखते हैं, थ्री बेसिक कैरेक्टर तो हमें सबके अंदर देखने को मिलेंगे. थ्री बेसिक कैरेक्टर, थ्री बेसिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, वही पहला डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. फिर सेकेंड हम किसकी बात करते हैं, सेकेंड हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, और थर्ड हम किसकी बात करते हैं, फेरिंजियल गिल स्लेट्स की. फेरिंजियल गिल स्लेट्स की, ठीक है. तो ये हमें इसके अंदर, ये बेसिक कैरेक्टर तो हमें देखने को मिलता ही है. इसके अंदर जो होलो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड होती है, ये थ्रू आउट लाइफ इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है. तो अब हम कॉर्डेट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एफिनिटीज विद हेमिकॉर्डेटा. इसके अंदर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एफिनिटीज विद हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा के साथ में एफिनिटीज के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है. हेमिकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं, किन किन चीज़ों के अंदर सिमिलरिटीज को शो करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जब हमने बेलेनोग्लोसस का देखा था तो उसकी हमने सेफेलोकॉर्डेटा के साथ में एफिनिटीज देखी थी. वापस हम देख लेते हैं. पहला इसका आएगा फेरिंजियल गिल स्लिट. फेरिंजियल गिल स्लिट, या फिर हम बात कर सकते हैं फेरिंजियल एपरेटस की. फेरिंजियल एपरेटस की हम बात करते हैं, ठीक है. तो ये किस प्रकार से सिमिलर होता है, इसके साथ साथ में बहुत सारे न्यूमरस गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, विद न्यूमरस गिल स्लिट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. न्यूमरस गिल स्लिट्स, और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, एक और हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं गिल बार. गिल जो होते हैं वो बार के फॉर्म में इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म, ये मोस्ट ऑफ दी सबके साथ सिमिलरिटीज शो करता है. फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म. नेक्स्ट सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो हमें इसके अंदर सिमिलर देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होती है वो हमें सिमिलर देखने को मिलेगी. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है. तो ये हमने देख ली किसके साथ में, हेमिकॉर्डेटा के साथ में. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके साथ में, यूरोकॉर्डेटा के साथ में. नेक्स्ट हम किसके साथ में एफिनिटीज की बात करेंगे, यूरोकॉर्डेटा के साथ में. कॉर्डेट के अंदर ही सेकेंड आ गया, एफिनिटीज विथ यूरोकॉर्डेट. यूरोकॉर्डेटा के साथ में सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो क्या सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं. पहला प्रिमेटिव सीलियरी फीडिंग. प्रिमिटिव सिलियरी फीडिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, दूसरा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म. तीसरे सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो लार्ज फेरिंग्स विथ न्यूमरस गिल स्लेट्स. लार्ज फेरिंग्स with numerous gill slits के साथ में हमें देखने को मिलता है. फिर अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमें क्लीवेज, और या फिर हम बोल सकते हैं इसको अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं,
अर्ली स्टेज डेवलपमेंट जो होता है वो भी सिमिलर देखने को मिलता है। अर्ली स्टेज डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? अर्ली स्टेज डेवलपमेंट के अंदर हम क्लीवेज की बात करते हैं, ठीक है, गेस्टुलेशन की बात करते हैं, तो ये हमें डेवलपमेंट जो होता है अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, ये भी हमें सिमिलर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके लार्वा की बात की थी कि लार्वा जो होते हैं वो दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं, लार्वल स्ट्रक्चर सिमिलर, ठीक है, लार्वल स्ट्रक्चर हमें सिमिलर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कॉर्डेट के अंदर, तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। किसकी बात करेंगे हम? एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के साथ में क्या क्या एफिनिटीज को शो करता है उसको हम देखते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा के साथ में सबसे पहले इनकी बॉडी शेप, दोनों के अंदर ही बॉडी कैसी देखने को मिलती है? इलोंगेटेड होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फिश लाइक बॉडी में देखने को मिलती है। फिश लाइक बॉडी, कैसी बॉडी देखने को मिलेगी हमें? फिश लाइक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो माउथ जो होता है वो ओरल होड के द्वारा सराउंडेड होता है। माउथ दोनों के अंदर किसके द्वारा सराउंडेड होगा? ओरल होड के द्वारा, सराउंडेड बाय ओरल होड, क्या ओरल होड के द्वारा सराउंडेड होगा। इसके अलावा ये किसके द्वारा गार्ड होता है? गार्डेड बाय वेलम, वेलम के हमने स्ट्रक्चर देखी थी, गार्डेड बाय वेलम। माउथ के पास में हमने एम्फियोक्सिस के अंदर वेलम की स्ट्रक्चर देखी थी, तो वेलम जो होता है दोनों के अंदर सिमिलर होता है। इसके अलावा फेरिंग्स की अगर हम बात करें, फेरिंग्स के अंदर क्या पाया जाता है? फेरिंग्स हैविंग एंडोस्टाइल, हमने एंडोस्टाइल को भी देखा था किस प्रकार से एंडोस्टाइल पाया जाता है, तो एंडोस्टाइल भी दोनों के अंदर सिमिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर लास्ट एफिनिटीज ये शो करता है वर्टिब्रेट के साथ में। किसके साथ में शो करेगा? वर्टिब्रेट के साथ में शो करेगा। एफिनिटीज विथ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के साथ में कौन कौन सी एफिनिटीज को शो करता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स, मेटामेरिकली अरेंज्ड मायोटोम्स दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो ट्रू सिलोम लाइन बाय एपिथीलियम, ठीक है, कौन सी एपिथीलियम होती है? सिलोम किसकी बनी होती है? अभी हमने बात की थी वो बनी होती है मीजोडर्म, लाइन बाय मीजोडर्मल एपिथीलियम। मीजोडर्मल एपिथीलियम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोस्ट एनल टेल जो होती है वो हमें दोनों में सिमिलर देखने को मिलती है। पोस्ट एनल टेल हमें सिमिलर देखने को मिलती है। वेल फॉर्म्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यह हमें दोनों के अंदर सिमिलर देखने को मिलता है। और अगर हम एक लास्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो सिमिलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स का, ठीक है, या फिर अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, तो सिमिलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता दोनों के अंदर, सिमिलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके? सिफिलोकॉर्डेटा के एफिनिटीज की, किस किस के साथ में ये एफिनिटीज को शो करता है। सबसे पहले हमने देख लिया
नॉन कोऑर्डिनेट्स के साथ में, जिसमें एनेलिडा के साथ में देख लिया, उसके बाद में मोलस्का के साथ में, इकाइनोडोमेटा के साथ में, फिर हमने बात कर ली कोऑर्डिनेट्स के अंदर हेमिकोऑर्डिनेटा के साथ में, यूरोकोऑर्डिनेटा के साथ में और साइक्लोस्टोमेटा के साथ में, और सबसे लास्ट में हमने बात कर ली वर्टिब्रेट के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइक्लोस्टोमेटा की एफिनिटीज देख ली। अब हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डील करेंगे एसिडियन लार्वा को। थैंक यू।